चलिए तो आज की क्लास में पढ़ते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम में क्या है, पाउली ने अपना क्या नियम दिया था। तो पहले इसकी परिभाषा बता दें कि क्या होता है। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकते हैं। हमने क्या कहा, पाउली के अपवर्जन नियम। पाउली के अपवर्जन नियम हमने क्या कहा, पहली बात यह है कि इनके किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान किसका, चारों क्वांटम संख्या का मान क्या नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिए, पाउली के अपवर्जन नियम में किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता, ये पाउली ने अपना अपवर्जन नियम दिया था। तो अगर आपको ये क्वांटम संख्या दिक्कत कर रही होगी तो मेरी अगली वीडियो है जो बनाया है हमने, उसमें देख लीजिएगा क्वांटम संख्या क्या है और कैसे निकालते हैं। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, पाउली के अपवर्जन नियम के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि क्या ये चारों क्वांटम संख्या एक समान हो सकती है या नहीं। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल 2s2 उपकोष के लिए, उपकोष में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, क्या है 2s2 में क्या बताना है, 2s2 उपकोष में दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये 2s2 है, तो 2s2 में क्या है, देखिए 2s2 तो इसका कक्षक क्या होगा, इसका ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल s के लिए एक ऑर्बिटल होता है। अब ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के बाद अब हमने क्या कहा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। ये देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या होगा, ये हमारा हो गया पहला इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो आइए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान देखते हैं। पहली क्वांटम संख्या हमारी है n, दूसरी की क्वांटम संख्या l, तीसरी m और ये चौथी क्वांटम संख्या s, यानी ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्विगुणसी क्वांटम संख्या और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या और ये स्पिन क्वांटम संख्या या चक्र क्वांटम संख्या। तो आइए देखिए, ये देखिए n की वैल्यू क्या होगी, ये जो आगे वाला होता है वही n की वैल्यू, यानी n क्या होता है कोस होता है, तो कोस ये देखिए कोस दो हो गया। l का मान s के लिए शून्य होता है, या s के लिए l का मान शून्य होता है और m के लिए यहाँ शून्य। यम क्या होता है, ऑर्बिटल को दर्शाता है, यन जो है उपकोष को, ध्यान से सुनिए, यन कोष को दिखाएगा, जो यल होगा वो उपकोष को दिखाएगा और जो ये यम होते हैं, यम ये होते हैं ऑर्बिटल के लिए और यस होता है ये दिशा के लिए, चक्रण के लिए, स्थिति के लिए, इसकी अवस्था के लिए। अब ये देखिए यम का मान, यहां से यम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दिशा क्या हो जाएगी, प्लस 1/2, यानी ये कैसा क्लॉकवाइज के लिए। और ये देखिए अब इसके लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर और l बराबर m बराबर s बराबर
देखिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये भी एन की वैल्यू क्या होगी, ये भी दो होगी। एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू यस के लिए ये भी क्या होगी, जीरो होगी। एम की वैल्यू ये भी देखिए एम इसी में है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। यस की वैल्यू देखिए एंटी क्लॉक वाइज है तो इसलिए इसका माइनस एक बटे दो होगा। तो ये बताइए समझ में, हमने क्या किया पावली का पॉइसन नियम, पावली ने क्या कहा था कि चारों क्वांटम संख्या किसी एक उपकोष में या कोई परमाणु रहेगा तो उसमें उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान या चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होगा, ये कहा था पावली ने। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन दो क्वांटम संख्या का मान या तीन क्वांटम संख्या का मान समान हो सकता है लेकिन चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। ये ले लिया हमने तीन ले लिया 2p 6 ले रहे हैं, सिक्स उपकोष में पहला और तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। और ये देखिए क्या है 2p 6 है तो इसके लिए बताइए कौन सा ऑर्बिटल बनेगा। p के लिए ऑर्बिटल बनता है तीन कक्षक हो गए, ये देखिए तीन कक्षक हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हमने क्या कहा किस इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया हमारा पहला इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा तीसरा, यानी क्या हो गया पहला दूसरा तीसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसके लिए एन की वैल्यू, एल की वैल्यू और एम की वैल्यू और एस की वैल्यू निकालेंगे देखिए। और इसके लिए भी क्या करेंगे, एन की वैल्यू फिर एल की वैल्यू और एम की वैल्यू और एस की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, ये एन है, एन मुख्य क्वांटम संख्या, एन क्या है ये आगे वाली संख्या, ये क्या हो गया दो हो गया। और पी के लिए एल का मान, यानी एल के लिए पी का मान क्या होगा, पी के लिए एक होगा। और यम का मान यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, यम की मान ये यहाँ यम का मान जीरो होगा, यहाँ यम का मान प्लस होगा या यम का मान माइनस एक होगा ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यम का मान इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा और यस का मान इसके लिए क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। और ये देखिए इसके लिए एन का मान क्या हो जाएगा ये दो हो जाएगा और एल का मान क्या होगा, एल का मान पी के लिए क्या होगा एक होगा, एम का मान तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस एक होगा इसमें है इलेक्ट्रॉन, एस का मान क्या है ये भी क्लॉक वाइज है तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ क्या किया ये भी है बराबर, ये भी बराबर है, एल का मान भी बराबर है, यहाँ देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये नहीं बराबर है। यानी किसी के लिए ये चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा, जब भी होगा तो तीन होगा या दो होगा एक होगा लेकिन कभी भी चार नहीं होगा।